हेलो मैम, कैसे हेलो। हो? बहुत बढ़िया। मैं मुलाना से आया हूँ। तो आपके एनजीओ के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है काफ़ी टाइम से, तो मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ कि आपकी एनजीओ क्या क्या काम करती है। थैंक यू बेटा। सबसे पहले तो राकेश, राकेश ही है ना आपका यस नाम? सर, आप मुलाना से आए हो? मुलाना से आया हूँ। अच्छा, तो बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक सोशल वर्क की तरह काम करती हूँ। मैं एज ए एंटरप्रेन्योर की तरह भी वर्क करती हूँ। मेरी फैक्ट्री भी है, मैं अपनी फैक्ट्री में भी काम करती हूँ। मेरा अपना एक स्टार्टअप भी है, स्टार्टअप में भी हम काम करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरे मन में शुरू से ही, जब से मैंने अपनी एक ज़िंदगी में जागना शुरू किया, जिसको कह सकते हैं कि अपने होशोहवास में आना शुरू किया, तब से मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ कमाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे, तो सिर्फ यही ज़िंदगी का नाम नहीं है। ज़िंदगी में जीने के लिए आपको अपना नाम कमाना, अपने पेरेंट्स का नाम कमाना, अपने घर में बच्चों के लिए नाम कमाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और समाज के लिए कुछ करना, ये हमारा सबसे पहले दायित्व है। तो उसी वजह से मैंने 2019 के अंदर एक एनजीओ की शुरुआत की, टुगेदर वी कैन फाउंडेशन के नाम से। और टुगेदर वी कैन फाउंडेशन का मतलब ही यही था कि हम सब मिल के हम काम करें। एक एनजीओ, एनजीओ का मतलब तो आप समझते हो कि नॉन बिल्कुल प्रॉफिट। इसका मतलब है कि नॉन प्रॉफिट, मुझे मुझे इससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करना। तो मुझे ये जितना भी सारा काम करना है, सारा का सारा मुझे सोसाइटी के लिए वर्क करना है। तो इसी के तहत मैंने काम शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले जो चुना कि सोसाइटी को, मैंने रिवर्स इफेक्ट के अंदर देखा कि सोसाइटी में क्या क्या, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैंने लगा, मुझे लगा कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा, जो हमारे खाद्य व्यापारी हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते, अच्छे से स्टोरेज नहीं करते, अच्छे से चीज़ों को बनाते नहीं हैं। तो मैंने ये एक विषय चुना कि फूड सेफ्टी के लिए मुझे कुछ काम करना है। फूड सेफ्टी में बेसिकली हमने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, इन इन तीन स्टेट की तरफ हम ज़्यादा काम करते हैं। बिकॉज़ हमें लगा कि लोगों को, जैसे आपने देखे होंगे, ढाबे होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, लंगर होते हैं, भंडारे होते हैं, ये सब खाने के बाद लोग जब वहाँ पे खाना खाते हैं, उसके बाद बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम स्वच्छता से उन चीज़ों को बनाते नहीं हैं, उनका रख रखाव ठीक तरह से नहीं करते। तो हमें लगा कि हमने लोगों को इस टाइप की कुछ अवेयरनेस दी, जो कि मुझे लगा कि हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे में से कुछ लोग जब फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो अपनी पानी की बॉटल्स अपने साथ कैरी करते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वो हमारे देश में ही पले बड़े होते हैं, 2-4 साल गए होते हैं, और उसके बाद आने के बाद वो अपनी पानी की बोतलें खुद साथ में लेते आते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो एलर्जी हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहीं पे इंडिया के अंदर ही उनको एक अंतर्राष्ट्रीय एक अनुभव अनुभव करवाएं, उनको यहीं पे बैठ के कहें कि हमारी जितनी स्वास्थ्य स्वास्थ्यता का ध्यान इंटरनेशनली पे रखा जाता है, उतना ही हम इंडिया के अंदर रखें। तो मैंने इसी वजह से ये विषय का चुनाव किया कि फूड सेफ्टी, जिसको कहते हैं खाद्य सुरक्षा। अभी इसके तहत हम तरह तरह के हमारे माह भी आते हैं, जैसे सितंबर में पोषक माह। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, बिल्कुल तो वहाँ पे जो लेडीज़ हैं, खाने पीने, इवन हमारे शहरों के अंदर भी खाने पीने में इतना ध्यान नहीं देती कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और तकरीबन जो लेडीज़ हैं, वो एनीमिक पेशेंट मानी जाती हैं, उनके अंदर खून की कमी मानी जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पोषक तत्वों का एहसास ही नहीं होता, और जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती हैं। अभी जैसे आपने पीछे 2 साल पहले हमारा कोरोना बहुत ज़्यादा आया, कोरोना का, और इसकी इसकी जो बेसिकली ये आपदा है, हम सब इसके शिकारी रहे। ऐसा क्यों क्यों रहे? क्योंकि बेसिकली हम लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि रोगों को लड़ने के लिए दवा चाहिए। हम कहते हैं कि आप रोगों से लड़ने के लिए अपनी, करते हैं आप, जैसे किसी को कपड़ा देना या किसी की खाने के लिए कुछ खाना प्रोवाइड करवाना गरीब परिवार को, तो उनके लिए क्या क्या करते हैं हाँ, आप? बेसिकली जैसे अभी हमने कुछ प्रोग्राम, कुछ चीज़ें तो हमें जो सरकार हमें प्रेषित करती है, हमें यहाँ DLSR है, ये सरकार हमें बताती है इस जगह पे जाके आप डोनेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इस बार सर्दी भी बहुत पड़ी, तो वहाँ पे लोगों के पास इवन पूरी तरह से कपड़े भी नहीं थे, तो ब्लैंकेट्स और इस तरह की चीज़ें तो होनी बड़ी दूर की बात थी। बच्चों के पास का जी, मैं भी मैम एक गांव से आया हूँ, बरवाला मेरा गांव पड़ता है, अच्छा, ये बाला से आए कस्बा। हो? हाँ जी, ओके। तो दरअसल आपने जैसे कि बताया कि आप इंसानों के लिए करते हो, जैसे कि गरीबों में बांट देते हो, हर एक चीज़ की पर प्रोवाइड करवाते हो सुविधा। चलो ये तो एक इंसानियत के लिए तो हर कोई करता है। अब जैसे जानवर हो गए, तो जानवर के लिए आप कैसे करते हो और क्या करते हो? हाँ,
जानवर के ऊपर भी हमारा काफ़ी हमारी एनजीओ वर्किंग करती है, लेकिन हमारे पास अभी जगह की कमी होने की वजह से हम उनको अपने पास रख नहीं सकते, लेकिन हम ये मुहैया कराने की कोशिश करते हैं जहाँ पे जो जानवर हो वहाँ पे जो भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, क्यों, बिकॉज़ हमारी एनजीओ के पास अभी अपनी जगह नहीं ली हुई हमने, और जल्दी ही हम अपनी जगह ले लेंगे एक एनजीओ की जिसमें हम ये सारे कार्यक्रम करेंगे। जैसे अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा 4-5 महीने पे ओलंपी वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो ओलंपी वायरस के अंदर उनके जख्म हो जाते थे बहुत बड़े बड़े और उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते थे, और उसी वजह से आपने देखा होगा कि आप बरवाला की तरफ से आए हैं तो उधर कई जानवर की बहुत ज़्यादा मृत्यु भी हुई, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उस टाइम पे हमने उनकी शक्ति वर्धक, जैसे मैंने कहा कि इंसानों के अंदर शक्ति बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग की जब हम बात बात करते हैं तो उस टाइम पे हमने शक्ति वर्धक लिक्विड्स बनाए जिसको हमने लोगों उन जानवरों को दिए ताकि उनके अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम उनकी स्ट्रांग हो ताकि वो बच सके अपने रोगों से। अगर आप देखो मोर और लेस जो इंसान है और जो जानवर है इनकी संरचना ऑलमोस्ट सेम सी है, तो जैसे इम्यूनिटी हम लोगों की डाउन होती है वैसे ही उनकी डाउन होती है, और उस टाइम पे हमने स्प्रे, एक हर्बल स्प्रे हम बनाते हैं तो हर्बल स्प्रे हम बांटते भी हैं, जैसे कोई हमें किसी जगह पे कोई कुत्ता मिल गया, उस कुत्ते का पैर कहीं आ गया उसकी वजह से जख्म हो गया, तो जख्म में क्या होता है, जख्म में जख्म गहरा क्यों हो जाता है, जब वो जख्म के अंदर कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं तब वो जख्म गहरा हो जाता है, अगर उस जगह पे हम कोई मक्खी मच्छर ना बैठने दें तो उस वो ना बैठने दें उसका एक ही इलाज है, या तो उसके ऊपर पट्टी कर दें, लेकिन जख्म क्या है कि अगर पट्टी बंधी रहेगी तो ठीक नहीं रहेगी, तो उस वजह से हम स्प्रे का उपयोग करते हैं, तो हमने स्प्रे का काफ़ी ज़्यादा हमने लोगों को डोनेट किए, जो फार्मर्स आए हमारे पास जिनकी लंपी वायरस को, जो हम गायों के बारे में हम जान पाए कि ये लंपी वायरस से ग्रसित है, या कोई आजकल फिर देखने में आया कि पिग्स में भी ये प्रॉब्लम आई, गाय भैंसों के बाद पिक्स में भी ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तो वहाँ पे हमने स्प्रे प्रोवाइड करवाए और हमने इम्यूनिटी बूस्टर शक्ति वर्धक के नाम से एक प्रोडक्ट को हमने इन गाय भैंसों को खूब पिलाया ताकि ये अंदर से स्ट्रांग हो जाए, अंदर से स्ट्रांग होने के बाद क्या है कि उनकी संरचना इतनी अच्छे से सुदृढ़ हो जाएगी कि ताकि उसके बाद किसी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस तरह से हमने काफ़ी बचाव किए। और बाकी हम बच्चों को शिक्षा देते हैं कि इनको पत्थर मत मारो, कंकड़ मत मारो, आप अगर आपको कोई तंग नहीं कर रहा, कोई जंतु का तंग नहीं कर रहा तो उनको मत मत तंग करो, ठीक है, अगर उनको कहीं हम कोई शेल्टर देने का प्रयास कर सकते हैं तो उनको शेल्टर देने का प्रयास करते हैं, तो जगह ना, मैम ये मेरा छोटा भाई है, जैसे कि बिल्कुल ये पढ़ चुके हैं, तो इसको एक नौकरी की तलाश है, तो कहीं पे क्योंकि अब देखा जा रहा है कि कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है, आज के टाइम में नौकरी मिल नहीं पा रही बच्चों को, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे फ्री घूमते हैं स्टडी करके, बहुत हाई फाई स्टडी करके ऐसे फ्री घूमते हैं, तो इन बच्चों के लिए है आपके एनजीओ में कुछ की ताकि इन बच्चों को आगे जाके नौकरी प्रोवाइड हो सके या नौकरी मिल सके? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एम्प्लॉयमेंट तो वाकई रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सोसाइटी के लिए, तो बेसिकली ये जैसे जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि इनके अंदर एक कोई स्किल डेवलपमेंट हो, कोई ना कोई स्किल ज़रूर हो, और जैसा आपने कहा कि सरकार कितने लोगों को दे देगी रोज़गार, दे देगी, आप पुराने समय से भी देखते आ रहे हो, पुराने समय से भी कोई सारी दुनिया ही सरकारी नौकरी पे नहीं लगी, उसके साथ साथ किसी की दुकान है, किसी का व्यापार है, इस तरह के कामों से साथ जुड़ी हुई है, तो हमारा हमारा प्रयत्न रहता है कि हम नौकरी तो ज़रूर तलाशो, सबसे पहले आप अपने अंदर की स्किल डेवलपमेंट करो, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम एक जगह देख रहे हैं जहाँ पे हम बिठा के लड़के लड़कियों को डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्किल्स डेवलपमेंट करने की हम योजनाएँ बनाएँ, जैसे लड़कियों को हम टेलरिंग का काम सिखाएँ, लड़कों को कोई डिज़ाइनिंग का काम सिखाएँ ताकि वो और लोगों का काम कर सकें, तो इस तरह की हमारी जो नियर फ्यूचर के अंदर काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं। और दूसरा जो हमारी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर कुछ योजनाएं ऐसी सरकार निकालती रहती है कि जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे जिनके पास ऑलरेडी कुछ कुछ ना कुछ काम हो, जिनको नॉलेज हो काम की और वो अपना व्यापार चला सकते हैं, जैसे मुद्रा लोन है, हमारा PMEGP लोन है, इस टाइप की जो लोन्स हैं, इस
इस टाइप के लोन की हम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं गांवों तक तो आती नहीं है, उनको पता नहीं चलता ये भी कोई योजना चल रही है। तो हमारा जो मेन मकसद रहता है हमारे एनजीओ का कि हम जगह जगह गांवों में लोगों को इकट्ठा करके, जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं उनको इकट्ठा करते हैं और उनको बताते हैं कि इस टाइप की योजनाओं का आप बेनिफिट लो। और उसके साथ साथ आजकल एक नई योजना है, दैट इज़ स्टार्टअप। उसमें क्या होता है कि आजकल आपने एग्रीकल्चर लैंड से सभी हैं आप, आपको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड में कम पानी से हम ज़्यादा फसल कैसे ले सकते हैं, बिना पेस्टिसाइड के हम प्रोडक्ट को कैसे कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। आप अपने किसी ऐसे एक अच्छे आइडिया के साथ आइए और अपने आइडिया को स्टार्टअप स्कीम के अंदर रजिस्टर कराइए, जिसके साथ साथ बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हेल्प करती हैं, इवन सरकार भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इस टाइप की ये ऐसे हम सेमिनार स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ करते रहते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार मैं नारायणगढ़ और आपके एरिया में ज़रूर दूँ, बराड़ा के अंदर ज़रूर दूँ कि इस टाइप के प्रोग्राम, क्योंकि अम्बाला के नियर अबाउट जो हमारे आसपास के जितने स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे तो हम ज़रूर इस टाइप के प्रोग्राम देते रहते हैं, लोगों को बच्चों को बताते रहते हैं कि ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप भरपूर बेनिफिट उठा सकते हो और आप अपना कोई कार्य शुरू कर सकते हो और जिसका अल्टीमेटली आप सबको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। थैंक यू मैम, वेलकम। एनजीओ के बारे में बहुत सुना था आपसे, मिलके भी बहुत खुशी हुई। तो नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आप चलते हैं, हम एनजीओ की तरफ, आप एक एक कप चाय हो जाए, आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो आइए हम अपने एनजीओ के ऑफिस में।